नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय वसई विरार में एक मुद्दा, पानी का मुद्दा काफी हावी है और सूर्या बांध का जो काम पूर्ण हो चुका है लेकिन उद्घाटन नहीं हो रहा है, उसको लेकर लोगों को परेशानी हो रही, लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। कई बार कई आंदोलन मोर्चे हो रहे हैं, वो आप लगातार खबरों में देखते रह रहे हैं। लेकिन इसी विषय को लेकर आज अग्निसेना ने एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल आज सुबह विरार में वसई जनता सहकारी बैंक के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब आए थे, तब अग्निसेना पदाधिकारी, महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अग्निसेना के कैलाश पाटिल के साथ में दूसरे पदाधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को काले झंडे दिखाए और कहीं न कहीं अपना विरोध जताया। हालांकि जैसा कि प्रोटोकॉल है मंत्री महोदय की कि उस काफिले को जब इन्होंने काले झंडे दिखाए, तब इन सभी पदाधिकारियों को पुलिस ने अपने ताबे में लिया। और क्योंकि कोई बड़ा क्राइम नहीं है, कोई बड़ा मामला नहीं बनता है, इसके लिए जब तक केंद्रीय मंत्री विरार में थे तब तक इनको पुलिस स्टेशन में बिठा के रखा और बाद में अग्निसेना के पदाधिकारियों को पुलिस ने रिहा किया। तो कहीं न कहीं आज एक बार फिर अग्निसेना ने पानी के मामले पर अपनी आवाज बुलंद की। और जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ वसई विरार कर की बड़ी समस्या, पानी की समस्या का निवारण नहीं हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री आते हैं, तो जाहिर सी बात है यहां का जो आम आदमी है वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता ही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री आए थे, वो एक उनका सरकारी कार्यक्रम नहीं होकर प्राइवेट कार्यक्रम को था, बैंक का एक निजी कार्यक्रम था, उसमें आए थे। और चूंकि पानी का जो मामला है, सूर्या प्रकल्प का उद्घाटन का जो मामला है, ये एक सरकारी कार्यक्रम है और सरकारी कार्यक्रम को अगर करना है तो वह काम राज्य सरकार करेगी। इसके लिए इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे से इसका कोई सरोकार भी नहीं है। लेकिन फिर भी लोकशाही में हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है और इसी अधिकार का पालन करते हुए आज अग्निसेना के पदाधिकारियों ने इस तरह से केंद्रीय मंत्री को काले झंडे दिखाए। देखिए क्या कुछ हुआ जब अग्निसेना ने इस तरह से काले झंडे दिखाए, उसके बाद में इनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया और क्या कुछ हुआ वहां पर। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। पुलिस स्टेशन में भी परसों तुम्हारे चार भी नहीं चला, पुलिस स्टेशन में आए थे तो तुम्हें हमला भी होता था ना, काम करता था भी होता था ना, नहीं तुम्हारे लगन नहीं क्यों होता था ना, हमला भी आप ही लगन नहीं होता, काम करता था मना ही क्यों होता, कोई काम नहीं क्यों होता, क्या वरना एक तरह से कहते हैं ना, काम करता था मैं काम करता हूँ विषय तो मुझे ना एक चंदन सर ला चौकी ना हो पुढ़े ते आरटीओ ऑफिस है एडमिशन है। आंदोलन पुलिस
बाकी पसंद नहीं वीडियो में चल दिखाई दे रहे गूगल पे बारकोड को स्कैन कीजिए, चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन कीजिए, हमें आर्थिक रूप से मजबूत कीजिए। अभी के लिए इतना ही। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।